तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको मदीना शरीफ में मौजूद हूँ, सऊदी अरब के शहर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी कर्फ्यू लग गया है। टाइम टेबल आपको सारी तफसील में बता देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कंडीशन क्या है। अभी 7 बजे हैं गालबन गालबन, तो 7 बजे क्या हाल हो गया है। इधर कोई आदमी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। आप देखें वीडियो। जी तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो ये देख लें जी, बिल्कुल वीरान सड़कें हैं। देख लें आप, कोई गाड़ी नहीं आपको दिखेगी, कोई आदमी नहीं दिखेगा। मैं आपको बता देता हूँ तफसील, ये सऊदी अरब की वीडियो है जी। सऊदी अरब के शहर मदीना शरीफ में मैं मौजूद हूँ। मदीना शरीफ से मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, आप देख लें। सड़कें बिल्कुल वीरान है और कोई गाड़ी भी नहीं है और कोई आदमी भी नहीं है। कोई गाड़ी अगर कोई गुजरती है तो 5-10 मिनट बाद कोई गाड़ी गुजर रही है, कोई इमरजेंसी हो गए उनको इसलिए गुजर रहे हैं, वरना ऐसे गाड़ियाँ भी नहीं घूम रही हैं सऊदी अरब के शहर में। जब जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा, कर्फ्यू लगा दिया गया है सऊदी अरब पूरे में। तो पूरे सऊदी अरब में जैसे कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो ऐसे ही बस भाई ना पैदल आप जा सकते हैं कहीं। और टाइम टेबल मैं आपको बता देता हूँ, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक, यानी कि मगरब से लेकर सुबह 6 बजे तक आप कहीं भी सऊदी अरब में नहीं घूम सकते। अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आप जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसके अलावा अगर आप बाहर कहीं भी बाइक घूमेंगे तो आप पकड़े गए तो 5,000 रियाल जुर्माना और जेल इसके अलावा है। ये आप देख सकते हैं, ये सड़क बिल्कुल वीरान है। मदीना शरीफ में मैं मौजूद हूँ, जो काफ़ी हंगामा यानी कि काफ़ी रश होता है इस शहर में। तो अभी देख लें आप, बिल्कुल खाली है, कोई पैदल आदमी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ना कोई आपको गाड़ी दिखाई दे रही है। तो मैंने आपको फिर बता देता हूँ, अगर आप पैदल बाहर निकले, आप पकड़े गए तो 5,000 रियाल जुर्माना जी होगा और इसके अलावा जेल होगी। तो गाड़ी भी कोई नहीं, आप देख लें बिल्कुल खाली है हर शहर, और पैदल आदमी भी आपको कोई नहीं दिखाई देगा। हाँ, साइड पर हम काम करते हैं तो उधर इतनी मुश्किल नहीं है, उधर भी हम मास्क वगैरह दस्ताने हैंड वॉश यूज़ करते हैं तो उधर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि दिन टाइम कर्फ्यू नहीं लगा है, रात टाइम ही कर्फ्यू लगा है। तो आप देख लें, ये सूरत-ए-हाल मदीना शरीफ की लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। तो मेरे भाई, वीडियो आपने देख ली है, वीडियो आपने देख ली है मदीना शरीफ की। ये वीडियो है बिल्कुल सुनसान है, हर चीज़ हर जगह कोई किसी किस्म की गाड़ियाँ, कोई पैदल कोई गाड़ी कहीं गुजरती है बस। तो मैं आपको बता देता हूँ, दरअसल सऊदी अरब ने पहले भी बहुत सी सख्ती की हुई है इस वायरस को लेकर, लेकिन अभी रोज़ बरोज़ केस जो इस वायरस के केस आ रहे हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। तो इसलिए सऊदी अरब ने अभी ये फैसला किया है कि हम पूरी सऊदी अरब में ये कर्फ्यू लगाएंगे कि रात 7 बजे से, यानी कि शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई किसी किस्म की हरकत नहीं होगी। अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसके अलावा अगर आप वैसे घूमेंगे फिरेंगे तो आपको मैंने वीडियो में भी बता दिया, आपको 5,000 और जेल अलग है, 5,000 रियाल जुर्माना। तो एक से दूसरे शहर जाने में भी पाबंदी है, फ़्लाइट इन्होंने पहले बंद कर दी है, उम्रे पहले बंद कर दिए, फैमिली विज़िट पहले बंद कर दिए हैं। तो ये पाबंदियाँ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ये बढ़ा रहे हैं कि क्योंकि इन ये वायरस तेज़ी से फैल रहा है, इस पर इन लोगों की कंट्रोल जो करना चाहिए इनको वो नहीं हो रहा, केस जो है रोज़ बरोज़ 2-4-5 केस ज़्यादा हो रहे हैं पहले से, इसलिए ये लोग ये पाबंदी लगा रहे हैं अब कि अभी कर्फ्यू लगाएंगे। तो बाकी मेरे भाई, अगर ये कंट्रोल हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं ऐसे भी कंट्रोल होता है तो ये ज़रूर फिर दिन टाइम भी लॉकडाउन करेंगे कि दिन टाइम भी आप कहीं नहीं निकलेंगे। खाने पीने की मार्केटें वैसे इनकी खुली हुई हैं, वो कोई किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिन टाइम 7 बजे के बाद नहीं, वो भी दिन टाइम खुली हुई हैं। दिन टाइम आप खाने पीने की मार्केटों पर जा सकते हैं, अपना राशन वगैरह जो भी आपने लेना है वो ले सकते हैं। तो जब दिन टाइम भी कर्फ्यू लगाएंगे तो उस टाइम भी ये गालबन खाने पीने की मार्केटें तो खुली होंगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी 7 बजे से सुबह 6 बजे तक हर चीज़ बंद कर दी गई है।